क्योंकि सावन के महीने में ज्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं सोमवार के दिन, तो महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए सावन के महीने में? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस वर्ष 2024 का जो सावन परसों से प्रारंभ होने वाला है 22 जुलाई से, बहुत अच्छा संयोग है। इस बार सावन में 5 सोमवार के साथ यह सावन लग रहा है, सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार को ही समाप्त हो जाता है। तो विशेष करके महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं, कुमारी लड़की भी सोमवार का व्रत करती हैं। तो व्रत रखने के पहले या पूजा शंकर भगवान को करने के पहले विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूजा के कुछ नियम हैं, बिना नियम का पूजा जो है आपको फलदायी नहीं होगा। महिलाएं सोमवार का व्रत करती हैं और अपना बाल जो है वह सोमवार को ही धोती हैं, तो सोमवार को बाल कदापि नहीं धोना चाहिए। यदि आप बाल उस दिन धोते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत निष्फल चला जाता है। और वस्त्र धारण जो करते हैं, वस्त्र धारण एक ही रंग का हो, विशेष रूप से सावन भर काला वस्त्र धारण न करें, और नीला वस्त्र तो धारण छुएं तक नहीं, पूरे सावन भर नीला वस्त्र और काला वस्त्र का उपयोग न करें। आप शंकर भगवान की यदि पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, तो श्वेत वस्त्र बहुत शंकर भगवान को प्रिय है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्प को यदि अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन श्वेत वस्त्र भी कुछ जगह वर्जित होता है, जैसे कि सधवा महिलाएं विशेष रूप से श्वेत वस्त्र न पहने, लाल पीला पहन सकते हैं, हरा का उपयोग कर सकते हैं, शंकर भगवान की पूजा में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन पुरुष वर्ग यदि शंकर भगवान की पूजा करें तो निश्चित रूप से श्वेत वस्त्र धारण करके यदि आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो आपको 100% लाभ होगा, हर तरह का आपको फायदा होगा।